श्री विष्णु पुराण आठवां अध्याय रुद्र सृष्टि और भगवान तथा माता लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोतम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देखकर भगवान ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह सात बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके सात नाम और रखे तथा उन आठों के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनुजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुद्ध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विज सतम, उन सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उन अनन्य परायणा माता उमा से फिर विवाह किया। भृगुजी के द्वारा माता ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को तथा माता लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि माता लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वे भृगु जी के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई हैं? श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोतम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगजननी माता लक्ष्मी जी तो नित्य ही है, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है, भगवान विष्णु बोध है और ये बुद्धि है, तथा वे धर्म है और ये सती क्रिया है। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं और माता लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर अर्थात पर्वत अथवा राजा है और माता लक्ष्मी जी भूमि है, तथा भगवान संतोष है और माता लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है, भगवान काम है और माता लक्ष्मी जी इच्छा है, वे यज्ञ है और ये दक्षिणा है, श्री जनार्दन पुरोडाश है और माँ देवी लक्ष्मी जी आज्ञा होती अर्थात बृहत की आहुति है। हे मुनि, मधुसूदन यजमान ग्रह है और माता लक्ष्मी जी पत्नी शाला है, श्री हरि रूप है और लक्ष्मी जी चीती है, तथा भगवान कुशा है और माँ लक्ष्मी जी इद्मा है, भगवान साम स्वरूप है और श्री माँ कमला देवी उद्गीती है, जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है और माँ लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विजोतम, भगवान विष्णु शंकर है और श्री माँ लक्ष्मी जी गौरी है, तथा हे मैत्रेय जी, श्री केशव सूर्य हैं और कमल वासिनी श्री माँ लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री भगवान विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा हैं। भगवान विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक आकाश हैं और माँ लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं।
भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्रीमान लक्ष्मी उनकी अक्षय कांति हैं। प्रभु हरि सर्वगामी वायु हैं और माँ लक्ष्मी जी जगत चेष्टा अर्थात जगत की गति और गति आधार हैं। हे महामुनि श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज माँ लक्ष्मी जी उनकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और माँ लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री माँ कमला यम पत्नी धुमोणा हैं। देवाधिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री माँ लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा माँ लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री माँ लक्ष्मी जी देव सेना हैं। हे द्विजोत्तम भगवान गदाधर आश्रय हैं और माँ श्री लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेश हैं और माँ लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं और ये कला हैं। सर्वेश्वर सर्वरूप श्री हरि दीपक हैं और श्री माँ लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री भगवान विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगन माता श्री माँ लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव भगवान श्री विष्णु दिन हैं और माँ श्री लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं और पद्म निवासिनी श्री माँ लक्ष्मी जी वधु हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमललाया लक्ष्मी जी माता पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और माँ लक्ष्मी जी तृष्णा हैं। तथा हे मैत्रेय रीति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री माँ लक्ष्मी जी इनके परे और कोई नहीं है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में आठवां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।